हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। आज चुनावी मैदान में उतरी मिसा भारती और रोहिणी आचार्य, दोनों बेटियों को लेकर बाबा हरिहरनाथ मंदिर पहुंचे लालू यादव पर पीके का तंज। पटना बिहार से नसीम रब्बानी के साथ रोहित कुमार की रिपोर्ट। पटना जन सुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में 1250 परिवार के लोग ही यहाँ MP, MLA बनते रहे हैं। हर पंचायत, ब्लॉक और विधानसभा में लंबे समय से ऐसा होते आ रहा है। भाजपा को आप बिहार में देख लीजिए, बिहार के BJP प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, इनके बाबूजी हैं शकुनी चौधरी, ये कांग्रेस की सत्ता में मंत्री रहे, फिर लालू की सरकार में मंत्री रहे, इसके बाद नीतीश की सरकार में मंत्री और मांझी की सरकार में भी मंत्री थे। ये दिखाता है कि बिहार की राजनीति पर कुछ परिवारों का कब्जा हो गया है। बिहार की आबादी है 13 करोड़, इनमें 3.5 करोड़ परिवार के लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि 1250 परिवार के लोग ही यहाँ MP, MLA बन रहे हैं। बिहार में 1250 परिवार के लोग ही यहाँ MLA, MP बनते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लालू जी के परिवार ही है, हर पंचायत में, हर ब्लॉक में, हर विधानसभा में। जैसे आप भाजपा का उदाहरण ले लीजिए, भाजपा के अभी अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, इनके बाबूजी शकुनी चौधरी कांग्रेस में विधायक और मंत्री थे। जब लालू जी का दौर आया तो उसमें भी विधायक और मंत्री बने, जब नीतीश जी का दौर आया तो उसमें भी विधायक और मंत्री बन गए, जब मांझी जी मुख्यमंत्री बने तो उसमें भी विधायक और मंत्री बने, और अगर आज उनको लग रहा है कि भाजपा का दौर है तो भाजपा में भी उसी परिवार, उन्हीं के लड़के की जगह है। ये दिखाता है कि बिहार की राजनीति में कुछ परिवारों का कब्जा हो गया है। बिहार की आबादी है 13 करोड़, 3.5 करोड़ परिवार के लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन ऐसा कैसे है कि MLA, MP 1250 परिवार का ही आदमी बनेगा। उस व्यवस्था को तोड़ने के लिए ये मैं गांव गांव लड़कों को संगठित कर रहा हूँ कि आप में अगर क्षमता है, जज्बा है, आप चुनाव लड़ सकते हैं तो आप आइए। आपके पास पैसा नहीं है, आपके बाबूजी लालू यादव नहीं है, मंत्री विधायक नहीं है, लेकिन उसके लिए घबराने की बात नहीं है। अगर हम उनको सलाह दे सकते हैं तो आपको भी सलाह दे सकते हैं, आपको सलाह भी देंगे और संसाधन भी देंगे। आप आइए, समाज के लिए, समाज में अपनी जगह बनाइए, राजनीति में जुड़िए, क्योंकि ये पूरा अभियान इस बात के लिए है कि समाज से अच्छे लोगों को राजनीति में लाया जाए। उसी के तहत ये क्लब बनाए जा रहे हैं। जो लड़के ये क्लब बना रहे हैं उनकी सामाजिक राजनीतिक यात्रा उस क्लब के मूल में है कि भाई वो गांव में काम करेंगे, युवाओं को जोड़ेंगे, उनको पढ़ाएंगे, उनको खेल कूद में मदद करेंगे, कोई बीमार पड़ेगा तो उसकी मदद करेंगे, तभी तो वहां उसकी पहचान बनेगी। यही काम क्लब के जरिए किया जा रहा है।